क्या प्लानिंग करते समय बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए? जैसे कि आज का हमारा ये पहला सवाल है, उसका आंसर ये है दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय यानी कि प्लान करते समय हमें बाल हेयर वॉश करने चाहिए या नहीं। तो हेयर वॉश करने के पीछे कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है, और जब भी कोई महिला प्लानिंग कर रही है तो वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहती है और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो परेशान हो जाती है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हेयर वॉश करना नहीं करना इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। अगर आपका IVF या तो IUI प्रोसेस भी हो रहा है तो उस समय भी आप हेयर वॉश कर सकते हैं, इससे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने ना होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और भी मान्यता प्रचलित है हमारे भारत देश में कि जब भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब से लेकर हमारी गोद भराई का जो समय आता है तब तक हेयर वॉश नहीं करना है। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप इस समय के अंदर हेयर वॉश करते हैं तो गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है या तो बच्चे में कुछ ना कुछ दिक्कतें आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन साइंटिफिक देखा जाए तो इसके पीछे भी कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि अगर आप हेयर वॉश करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कतें आएगी। और अगर हम इसको लॉजिकल तरह से देखें तो पूरे देश में या तो मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में कितने सारे महिलाएं प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म भी देते हैं, तो क्या वो लोग भी इसको मानते हैं क्या? नहीं, वो भी हर महीने या तो ये कहे कि हर वीक हेयर वॉश करते हैं लेकिन फिर भी उनके बच्चे तंदुरुस्त और परफेक्ट आते हैं। तो बस हमें इन सब मान्यताओं में नहीं फंसना है और अवेयरनेस के साथ अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है।